पिछोर चंदेरी रोड पीएचई कार्यालय के प्रांगण में रातों रात अवैध रूप से रखी गई वीरांगना जलकारी बाई की प्रतिमा पिछोर में अवैध रूप से महापुरुषों की प्रतिमा को रखना आम हो गया है। पिछोर में लगभग 10 प्रतिमाएं महापुरुषों की रखी गई हैं। सरकारी बेशकीमती जमीनों पर जातिवाद को लेकर हर समाज के लोग अपने समाज के महापुरुषों की प्रतिमा रखने में लगे हुए हैं। जब रात के अंधेरे में प्रतिमा रख जाती है और सुबह उसी समाज के लोग आते हैं और प्रतिमा का पूजन करते हैं और उस महापुरुष को अपनी समाज का बताने लगते हैं। प्रशासन की बात करें तो अभी तक किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने पिछोर में अनगिनत अवैध रूप से महापुरुषों की प्रतिमाएं रखी गई हैं। किसी व्यक्ति पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की है। प्रशासन आखिर मौन क्यों है, यह कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। आज पिछोर में जो प्रतिमा चंदेरी रोड पीएचई कार्यालय के प्रांगण में रखी गई है, वे पूरी प्लानिंग से रखी गई है। मूर्ति रखने वालों को यह बात की जानकारी थी कि सुबह प्रशासनिक अधिकारी कोई भी मौजूद नहीं होगा, सभी अधिकारी मुख्यमंत्री की सभा में रहेंगे। उसी का फायदा उठाते हुए रात के अंधेरे में अवैध रूप से अज्ञात लोगों द्वारा वीरांगना जलकारी बाई की प्रतिमा रखी गई है। सचिन राज भट्ट की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं सचिन राज भट्ट। आपको बता रहा हूं कि पिछोर में महापुरुषों की मूर्तियां रातों रात लग जाती हैं और सुबह पता चलता है कि अज्ञात व्यक्तियों ने ये प्रतिमाएं लगाई हैं। पिछोर में लगभग 15 प्रतिमाएं लग चुकी हैं। ये 16वीं प्रतिमा है जो जलकारी बाई की यहाँ लगाई गई है। बताया जाता है कि रातों रात कोई व्यक्ति यहाँ आते हैं और प्रतिमाएं रख जाते हैं और सुबह जब देखते हैं तो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा ये प्रतिमा रखी गई है, ऐसा बताया जाता है प्रशासन को। प्रशासन भी मौन है। अभी तक इतनी प्रतिमाएं पिछोर विधानसभा में रख चुकी हैं लेकिन अभी तक किसी पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। फास्ट समाचार से मैं सचिन राज भट्ट। क्या नाम है आपका? बलवीर सिंह कोहली। पूर्व पार्षद हैं आप? जी हाँ। पूर्व पार्षद जी, ये जो रातों रात ये प्रतिमा रखी गई, बताया जाता है जलकारी बाई की प्रतिमा है, क्या कहना है आपका? कब पता चला आप लोगों को? हम लोगों ने तो अभी मोबाइल पे देखा है जो है, तो इसलिए इसको जानकारी लगी। अच्छा, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो वीरांगना जलकारी बाई जो है अपने कोहली महापुरुष हैं थे, तो हम लोग आए यहाँ पे दर्शन करने के लिए, देखने के लिए आए। अच्छा, किन के द्वारा ये मूर्ति रखी गई कुछ पता? कोई पता नहीं, कौन रख गया कौन नहीं रख गया ये कोई पता नहीं है। तो अज्ञात लोगों के? अज्ञात लोगों ने रख दी ये प्रतिमा। जो भी जानकारी नहीं है कि अज्ञात ने रखा, किसने रखा, हमको कोई जानकारी नहीं है, केवल मोबाइल पे देखी है, सूचना मिली है, तो इसलिए हम। अच्छा, ये प्रशासन अब अगर इस मूर्ति को हटाना चाहेगा तो आप लोग क्या करेंगे? हम उद्यम करेंगे, प्रयास यही रखना चाहिए भाई। सब लोगों के महापुरुषों की लगी है, हर जगह चौराहे पे लगी है और भी लगी है, तो रखी गई है तो स्थाई रखी जाए उसको। तो अब प्रतिमा हटने नहीं देंगे आप? नहीं, हम और समाज के लोग जोड़ेंगे, क्षेत्र के जोड़ेंगे, प्रतिमा नहीं हटने देंगे। नहीं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर नारायण सिंह कोहली नाम है। नारायण जी, आप जो है कोहली समाज के अध्यक्ष हैं जी। ये जो प्रतिमा झलकारी बाई की रखी गई रातों रात, क्या कहना है आपका? अब हमें तो अभी जानकारी मिली है कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा ये स्टैचू रखा गया है माँ वीरांगना झलकारी बाई माता का। तो हमें जानकारी मिली कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से कि यहाँ एक राजघाट कॉलोनी है, उसके पास में स्टैचू रखी हुई है। हम सब लोग देखने के लिए आए हैं क्योंकि पहले से कुछ स्टैचू रखे हो रहे हैं और आज भी ये स्टैचू रखा गया है। तो महापुरुष हैं, उन्होंने रखी है तो भाई उनका हम भी सम्मान करते हैं, सभी महापुरुषों का सम्मान है। अच्छा, ये प्रशासन अगर इस प्रतिमा को हटाना चाहेगा तो आप क्या करेंगे? देखिए, ये महापुरुष हैं और सबका सम्मान है, आज सभी महापुरुषों की यहाँ। लेकिन अवैध रूप से रखी गई ना मूर्ति? हाँ, ये बात तो सही है कि इसकी अनुमति, विधिवत अनुमति लेना भी चाहिए और तभी ये मूर्ति रखना भी चाहिए। लेकिन चूंकि ये निरंतर जा रही हूँ इसी क्रम में, पता नहीं ये रख दी है किन्हीं भी अज्ञात लोगों ने, लेकिन अब हटे तो सबकी हट जाए, उसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हटना चाहिए तो सबकी हटना चाहिए। ऐसा नहीं किसी विशेष व्यक्ति की या विशेष किसी समाज की उसको हटा दो, ये गलत है। बस इतना निवेदन करना। लगभग कितनी प्रतिमाएं पिछोर में रखी गई हुई हैं अवैध रूप से? अभी तो फिलहाल तो अभी मुझे जानकारी में जो करेंटली है 2-4 प्रतिमाएं हैं अभी जो रखी गई हैं, और पुरानी कितनी प्रतिमाएं इसके बारे में जानकारी नहीं। ऐसे ही अवैध रूप से यहाँ पिछोर में प्रतिमाएं रखी जाती हैं? हाँ, अभी जो रख रहे हैं, अब अनुमति किसको है ये तो मुझे जानकारी नहीं है कि अनुमति किसको है। यदि अनुमति नहीं है तो अवैध ही कही जा सकती है। तो अभी ये है तो अब इसको अनुमति है कि नहीं है ये तो जानकारी में नहीं है, तो वैध अवैध तो मैं नहीं कह सकता। हाँ, लेकिन अभी मेरी जानकारी में जो अवैध रूप से ही जानकारी मेरे में आ रही है कि अवैध रूप से रखी गई। हाँ, अभी अवैध रूप से ही समझ में आ रही है।